कोलकाता में बुधवार सुबह बस रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस नियंत्रण खोकर फुटपाथ के किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। सुबह 8:30 बजे डोरीना क्रॉसिंग से बाबूघाट की ओर जा रही थी, बगल से गुजरे एक दूसरी बस से आगे निकलने के होल में नियंत्रण खो गया और फुटपाथ पर चढ़कर डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत रही के समय फुटपाथ पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई। 205 नंबर रूट की ये बस जब टकराई तो उसमें यात्री भी सवार थे। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, फुटपाथ की रेलिंग टूट गई। हेयर स्टेट थाने की पुलिस ने घातक बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। कोलकाता में बुधवार सुबह बस रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस नियंत्रण खोकर फुटपाथ के किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। सुबह 8:30 बजे डोरीना क्रॉसिंग से बाबूघाट की ओर जा रही थी, बगल से गुजरे एक दूसरी बस से आगे निकलने के होल में नियंत्रण खो गया और फुटपाथ पर चढ़कर डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत रही के समय फुटपाथ पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई। 205 नंबर रूट की ये बस जब टकराई तो उसमें यात्री भी सवार थे। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, फुटपाथ की रेलिंग टूट गई। हेयर स्टेट थाने की पुलिस ने घातक बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। कोलकाता में बुधवार सुबह बस रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस नियंत्रण खोकर फुटपाथ के किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। सुबह 8:30 बजे डोरीना क्रॉसिंग से बाबूघाट की ओर जा रही थी, बगल से गुजरे एक दूसरी बस से आगे निकलने के होल में नियंत्रण खो गया और फुटपाथ पर चढ़कर डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत रही के समय फुटपाथ पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई। 205 नंबर रूट की ये बस जब टकराई तो उसमें यात्री भी सवार थे। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, फुटपाथ की रेलिंग टूट गई। हेयर स्टेट थाने की पुलिस ने घातक बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया।